तो दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कि हम जो मूल निवास वगैरह डाउनलोड करते हैं उसमें ई साइन आता है, उसको डिजिटल हम अपना खुद का ई साइन कैसे बनाएंगे, कैसे पीडीएफ के अंदर करके उसको इनेबल करेंगे। तो दोस्तों ई साइन का आज बताने वाला हूँ, अगर किसी को डॉक्यूमेंट भेजना हो तो हम अपना ई साइन करके भी भेज सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपका जो आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, उसमें ओटीपी आएगा जब भी जाके आपका ई साइन बनेगा। दोस्तों ई मित्र सीएससी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस रेड बटन में क्लिक करके पास इस बेल आइकन को भी दबाना है ताकि ई मित्र सीएससी एंड आपके रोजगार काम आने वाली ई मित्र जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले अपने अपनी एसएसओ आईडी पे। एसएसओ आईडी पे आने के बाद दोस्तों अपना यूजर नेम एसएसओ आईडी डालना है, फिर अपने जो ये कैप्चर आपको दिखाई दे रही है आपको डाल देना है यहाँ पे और फिर इंटर कर देना है। जैसे करोगे दोस्तों यहाँ पे आपको सिटीजन ऐप G2C दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियर रिसीव ऑल एप्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करो दोस्तों इस तरह का आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे राज ई साइन, तो यहाँ पे दोस्तों ये दिख रहा है राज ई साइन पे आपको क्लिक कर देना है कि आपका यहाँ पे डिजिटल ई साइन होने वाला है। जैसे हम जाति मूल निवास बनवाते हैं तो तहसीलदार के जो ई साइन होते हैं डिजिटल, इसी तरह से हम अपना ई साइन आज बनाने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे फाइल अपना जो पीटीएफ फाइल भी कोई सा भी फाइल है यहाँ पे पीटीएफ फाइल आपने चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, हम यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता देता हूँ इस यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे साइन होने वाला है, तो इसको हम पीडीएफ फाइल को ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिस पर्सनल अदर के लिए, तो हम यहाँ पे कोई भी आप पर्सनल या ऑफिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट क्या टाइप फाइल का, पीडीएफ वर्ड या एक्सेल, तो हम पीडीएफ फाइल है। यहाँ पे अपना नाम अगर आप डिटेल डाल सकते हो, यहाँ पे मैं अपना नाम डालने वाला हूँ। नीचे दोस्तों आप अपना विलेज का नाम या क्या लोकेशन इसमें देना चाहते हैं, किस किस चीज के लिए अप्रूवल किया गया है, तो अपना यहाँ पे जो भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं न्यू मित्र स्थान डाल देता हूँ। जैसे करते हैं दोस्तों यहाँ पे ईशान का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ईशान आपको ऑप्शन में क्लिक करोगे तो बता रहा ओटीपी सेंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो ओके बटन पे क्लिक करना है। आपका जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप ओटीपी डाल देते हो यहाँ पे आपका ईशान यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे हम ओटीपी डाल के ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ अलग टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन शो हो जाएगा। कुछ देर थोड़ा वेट लेगा इशा, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड गो टू, तो यहाँ पे पहले डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पे बैक टू राज ई साइन, बैक टू एसएसओ, सेव टू पर्सनल डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पे बैक टू ई साइन करेंगे। फिर दोस्तों क्या इस पीडीएफ पे दो बार क्लिक करके इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे देखे आगे, तो यहाँ पे साइन नॉट वेरीफाइड, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके इसको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। और फिर जैसे आप डैशबोर्ड पे जहाँ पे आपकी फाइल सेव होगी उसको आपको एक बार सिंपल ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने ये पहले कर रखा था इसलिए यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, सिग्नेचर प्रॉपर्टी पे जाना है, शो सर्टिफाइड पे क्लिक कर देना है, शो सर्टिफिकेट, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट कर देना है, फिर यस नेक्स्ट ऑफ फाइनेंस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके क्लोज करें। जैसे यहाँ पे राइट बटन में क्लिक करोगे तो ये इस तरह का इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगा किस तरह से हम अपना ई साइन यहाँ पे बना सकते हैं खुद का अपना ई साइन। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने खुद का बनाया, तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, डेटा आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।